सर हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, क्या करें? ऐसा कई बार मुझसे कई सारे लोग आगे से रह करके, मतलब मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं इस विषय में, आगे से रह करके मुझे बताते हैं कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, हमें पता है ये बात, और नाम लेके बोलते हैं हमारी मौसी, हमारी बुआ, हमारे वगैरह वगैरह, अड़ोसी पड़ोसी। तो इस बारे में मैं क्या सोचता हूं, और क्या सचमुच में किया कराया होता है? क्या किसी के कुछ करने से आप पर फर्क पड़ता है? और यदि होता है तो इसका क्या उपाय है? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जय श्री सीताराम आप सभी को। देखिए, वाइब्रेशंस होती हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं अब तो मुझे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है भाई, हम लोग मोबाइल पर बात करते हैं, मोबाइल पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं तो यूएसए, कनाडा, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर मेरी बात नहीं होती, जहां कंसल्टेशन मुझसे लोग नहीं लेते हैं। तो वहां पर भी यहीं बैठे बैठे, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं खंडवा में रहता हूँ, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में रहता हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे मैं विश्व के हर कोने में बात कर लेता हूँ। और कोई वॉइस डिले, पहले तो वॉइस डिले हुआ करता था, मैं कुछ बोलता था, कुछ देर बाद किसी तक वो आवाज़ पहुँचती थी। आजकल तो ये परेशानी भी मुझे नहीं आती है। तो सोचिए, इतना बड़ा वाइब्रेशन, इतनी दूर जहाँ पहुँचने में रात दिन लग जाते हैं, ऐसी जगह पर मैं बिल्कुल क्विक सेकंड्स में बात कर लेता हूँ, ये किस शक्ति के थ्रू होता है? तो ये होता है वाइब्रेशंस के थ्रू, है ना? तो क्यों नहीं मैं यहां से बैठे बैठे किसी के लिए कुछ अच्छी वाइब्रेशंस भेजूं और उस तक वो पहुंच जाए? क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? या नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजूं और उस तक पहुंच जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। पहले तो यही होता था, हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ ही है। यहां चलिए शास्त्र छोड़िए, जो सीरियल्स भी हमारे जो आते थे उसमें भी ये बताया गया है। उसमें भाई सीरियल जो श्री आदरणीय रामानंद सागर जी ने जो सीरियल्स बनाए हैं, उन्होंने बड़े गहन विश्लेषण के बाद बनाए, उसमें यही तो बताते थे, बैठे हुए हैं और खुद ध्यान के माध्यम से शक्ति पैदा की और वो शक्ति जो है कहीं और चली गई। हाँ, और ये वो सीरियल में नहीं बताते, मैं सीरियल की बात नहीं मान रहा हूं, चलिए ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी मंत्रों की शक्ति, हमारे शास्त्रों में भी खुद किसी के थ्रू वाइब्रेशंस भेजना या किसी से दूर बैठे हुए किसी से बात कर लेना, ये बताया गया है। अब मोबाइल्स तो नहीं थे, तो दूसरी टेक्निक थी, आज की टेक्निक एक हैंडसेट की टेक्निक है, उस समय अलग टेक्निक हुआ करती थी। हाँ, तो देखिए, यदि हम बोले कि नजर लग जाती है क्या, किसी ने कुछ कर दिया है क्या, हाँ ये हो सकता है, मानते हैं, मैं कहूंगा हो सकता है, लेकिन वो करने वाला भी फिर उतना ताकतवर होना चाहिए ना। मतलब हर किसी का थोड़े वाइब्रेशन पहुंच जाएगा, उसमें भी साधना की जरूरत है ना, उसमें भी प्रयासों की जरूरत है, उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें भी लगन की जरूरत है और एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन मतलब भाई इस साधना को कैसे किया जाए, कैसे किसी तक वो वाइब्रेशंस पहुंचाई जाए, या तो ये एजुकेशन मिल जाए, और नहीं तो लंबे वक्त तक इसका प्रयास किया जाए, इसका रियाज किया जाए, और फिर देखा जाए कि मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ जिससे किसी के थ्रू किसी तक वाइब्रेशंस पहुंचती है। तो लंबे समय तक उन वाइब्रेशंस पहुंचाने का जो है साधना हो, प्रैक्टिस हो। अब हर किसी के थोड़ी, हर किसी ने कुछ देखा और कोई भी ऐरा गहरा है उसने देखा और उसने कुछ भी नेगेटिव वाइब्रेशन आप तक पहुंचा और पहुंच ही जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ा है। उसकी साधना कितनी है इस बात पर भी तो इम्पैक्ट करेगा, इस बात का भी तो इफेक्ट होगा। तो पहली बात तो ये कि आप डरना छोड़िए कि हर किसी के वाइब्रेशंस, या उसको साधारण शब्दों में कहें तो हर किसी की नजर हमें लग जाएगी या हमारे बच्चों को लग जाएगी, ये छोड़ दीजिए आप इस बात को, उसके लिए भी प्रैक्टिस होने की जरूरत है। अब चलिए, नजर लग भी जाती है तो मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है ये भाई, मैं रोज कुंडलियां देखता हूं पूरे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विश्व के हर देश
मैं रहने वाले लोग मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, तो मैं इस बारे में क्या पाता हूं, मतलब कितने लोगों को नजर लगी है या गलत वाइब्रेशन से मैं कितने लोगों को पाता हूं, तो आपको सच बताता हूं, मेरे पास यदि 4-5 हजार कुंडलियां जब आएंगी तो उसमें से मैं 2-4 जनों में पाऊंगा कि इनको कुछ नजर है या नेगेटिविटी है, बाकी मैं जो है बाकी के जो लोग हैं उनमें मैं नजर या बुरे वाइब्रेशंस नहीं पाता हूं। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि किसी को नजर लगी है, बुरे वाइब्रेशंस लगे? कुंडली में ये दिखता है क्या? नहीं, कुंडली में नहीं दिखता। फिर कैसे? तो ऐसे कि कुंडली में कुछ दिखता ही नहीं है, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं, कोई व्यक्ति मेरे पास आए, उनकी कुंडली में अभी बहुत अच्छा समय चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई गोचर खराब नहीं, कोई दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा खराब नहीं, उनकी कुंडली के कोई बुरे योग नहीं है, है ना, उनके पति पत्नी बच्चों के कोई ऐसे बुरे योग नहीं है, उनका वास्तु देख लिया, वास्तु बहुत अच्छा है, उनको किसी प्रकार कुल दोष नहीं है, फिर भी वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये शंका जाती है कि हाँ यार, यहां पर वाइब्रेशंस हैं, यहां पर किसी की नजर लगी है, यहां पर किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है कुंडली में। हो जाता है, मैंने कहा ना 4-5 हजार कुंडलियां देखो, उसमें से 2-3 कुंडलियों में, 4 कुंडलियों में ऐसे दिख जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुंडली में कुछ दिख ही नहीं रहा, सब जगह देख लिया नहीं दिख रहा है, तो हाँ अब किसी ने कुछ कर दिया होगा, या किसी की वाइब्रेशन है, किसी की नजर है। लेकिन अधिकतर लोग जब मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो मैक्सिमम टाइम 99.99999% टाइम तो यही होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में ही प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, ये मेरा विश्लेषण है, कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। जिसकी कुंडली में चंद्र खराब होंगे, विशेष तौर पर चंद्र या तो अस्त होंगे, है ना, अमावस्या का कुछ दोष लग गया, या तो चंद्र जो है वो केतु के साथ होंगे, राहु के साथ होंगे, ग्रहण में होंगे, या फिर चंद्र शनि के साथ होंगे, मतलब किसी प्रकार से चंद्र का दूषित होना, अस्त होना, 0 डिग्री होना, कैमद्रुम दोष में होना, अकेले बैठे हुए होना, शकट योग में होना, और लग्नेश का खराब होना, अष्टम में बैठना, 6वें 8वें 12वें में बैठना, या लग्नेश का अस्त होना या लग्नेश का दूषित होना, ऐसे जिन लोगों को ऐसी हैं ये चीजें हैं, वो पहले बोलेंगे कि हमको नजर बार बार लग जाती है, जबकि नजर नहीं लगती उनको। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, चंद्र दूषित है या लग्नेश दूषित है, जो भी है, या दोनों दूषित, तो ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। अब जब ये व्यक्ति कहीं जाता है, जैसे ठंड के समय में गया, गर्मी के समय में गया, बारिश के समय में कहीं गया, तो जहां भी जाता है तो वहां जाकर के उसको उस समय की बीमारी लग जाती है, फटाक से इम्यून सिस्टम वीक है। जैसे ठंड में कहीं गया, शादी ब्याह में गया, ठंड का समय था, अब वो ठंड जो है वो लग गई तो सर्दी हो गई, या खाने पीने में कुछ आया, बाहर का कुछ भोजन आप कर रहे हैं तो कुछ तो भी, हर चीज उतनी शुद्ध तो होगी नहीं, तो बैक्टीरिया वगैरह अंदर चले गए, इम्यून सिस्टम वीक है, तो बाहर गए थे और वहां से वापस आए और देखो घर वाले दूसरे लोग तो ठीक है, इस व्यक्ति को जो है वो दिक्कत हुई, मतलब इसको नजर लगी, नजर नहीं लगी, उसका इम्यून सिस्टम वीक है। कई बार मेंटल सोचने का जो सिस्टम होता है ना, साइकोलॉजी सिस्टम जो होता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सिस्टम जो होता है ना, वो भी कई बार वीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी वीक हो जाता है, तो कमजोरी भी महसूस करता है मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, तो इस वजह से हमें लगता है कि कहीं भी जाता है ना तो नजर लग जाती है इसको जल्दी, फिर वहां से वापस आता है तो कहीं ना कहीं बीमारी रहता है। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा ज्यादा देखने में आता है, क्योंकि बच्चों का वैसे ही, हर बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, उसमें भी चंद्र और शुक्र यदि अस्त है या दूषित है, खराब है, शुक्र नहीं सॉरी लग्नेश, चंद्र और लग्नेश यदि अस्त है, दूषित है, खराब है, तो जल्दी से उसको प्रॉब्लम होगी। गर्मियों में गए तो जल्दी से जो है वो लू या लपट या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, ठंड में गए तो सर्दी लग जाए, बाहर कुछ खाने में आए तो पेट का इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, बारिश में गए तो जल्दी से
सर्दी हो जाए, रैशेस हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर गए हैं और हमें हमारे बच्चे को नज़र लग गई, जबकि नज़र वो नहीं होती अधिकतर। मैं कह रहा हूँ 99.9999% नज़र नहीं होती, वो कुंडली के ग्रहों का चंद्र और लग्नेश का कमज़ोर या दूषित होना होता है। जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जब उसके उपाय दिए जाते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, है ना। तो आप भी इस बात को समझिए कि ठीक है, मैं झुठलाऊंगा नहीं कि नज़र नहीं लगती या किसी की बुरी वाइब्रेशंस नहीं होती, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये बहुत कम लोगों को लगती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन कर पाते हैं, और भारत के हर कोने से भी आते हैं और विश्व के हर कोने से भी आते हैं, जिनको अच्छे से हिंदी बोलना भी, मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ तो अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आती, फिर भी वो लोग आते हैं। एक तो फ्रेंच थे, अब उनको मेरे बारे में एक NRI से पता चला, वो भी इंडियन थे लेकिन बाहर शिफ्ट हुए हैं, उनसे पता चला, उन्होंने कहा मैं भी अपना विश्लेषण करवाना चाहता हूँ। उन्होंने अपना ट्रांसलेटर रखा हिंदी का, अब वहाँ की फ्रेंच तो मुझे आती नहीं है ऑब्वियसली, तो ट्रांसलेटर रखा, मैं उन्हें बोलूँ वो ट्रांसलेटर उन्हें बोला, ऐसा अक्सर होता है। चाइनीज़ होते हैं मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें पता चलता है, कई बार कोई भारतीय मूल के व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, वो मेरे बारे में बताते होंगे और उन्हें फिर पता चलता है, वो फिर मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं किसी ट्रांसलेटर के थ्रू या उन्हीं व्यक्ति के थ्रू जो उन्हें बताते हैं। तो ये तो इस बात को आप मानिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलो नज़र लग जाती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो भी होता है, कैसे ठीक किया जाए, मैं आपको एक बात बता दूं। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ा करके और मृत्युंजय मंत्र का जाप जो व्यक्ति करेगा, उसको किसी की नज़र नहीं लगेगी। एक्चुअल नज़र की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं 4-5 हज़ार लोगों में 2-4 जनों को लगती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं लगेगी। और इम्यून सिस्टम वीक होगा, मेंटल सिस्टम वीक होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। बच्चा है, छोटा है, उसको लेके आप चले जाओ, और भले यदि छोटा सा लोटा वो पकड़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गोदी में बिठा करके जो है आप ही कर लो, और उसको लग जाएगा वो चीज़। जब वो दूध पीता नहीं है, जब वो बड़ा हो गया है, तो उसके लिए छोटा सा तांबे का लोटा ले लो, उसी से जल चढ़ाओ आप, उसको फायदा मिल जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि देखो, अपनी कुल देवी को ना भूलो। अपनी कुल देवी को जो लोग भूल जाते हैं, मैं ये पाता हूँ कि उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुल देवी के मंदिर जाना ही जाना चाहिए। नहीं मंदिर जा सकते हैं आप, बहुत रेगुलर नहीं जा सकते हैं, साल भर में एक बार जाइए, चलिए ठीक है चलेगा, लेकिन अपने घर में उनकी मूल फोटो जरूर रखिए, उनकी तस्वीर जरूर रखिए, उनके नाम से दिया जरूर लगाइए, उन्हें सब परिवार धोख जरूर दीजिए। ठीक है, आप लोग अलग अलग रहते हो तो अलग अलग जगह, लेकिन माथा जरूर उनके सामने टेकिए, पूरे परिवार के लोग, कम से कम आप तो टेकिए माथा। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि हर अमावस्या पर अपने पितरों के नाम से भोजन जरूर बनाइए और उन्हें लगाइए। कौवे को, कुत्ते को, गाय को हर अमावस्या पर जो भोजन बना है पितरों के नाम से, वो जरूर दीजिए। अपने घर का वास्तु जरूर अच्छा रखिए। घर का वास्तु यदि बिगड़ा हुआ रहेगा तो इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा। घर किसी के भी नाम से हो, चाहे आप किराए के मकान में रहते हो, अच्छा वास्तु देख करके ही आप किराए के मकान में जाइए। मैं मानता हूँ इस बात को कि 100% वास्तु आपको किराए के मकान में नहीं मिलने वाला है, मैक्सिमम तो मिलेगा, कम से कम बड़ा बड़ा दोष तो नहीं होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अब आपको जो है कोई घर मिल रहा है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अब आप ये बोल करके वो घर को ना ले लें कि अरे अब लेना तो पड़ेगा, भैया बर्बाद हो जाएंगे। नॉर्थ में टॉयलेट है ये बोल करके ना ले लें उस घर को कि अभी नॉर्थ में टॉयलेट है अब लेना तो पड़ेगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो बड़ा बड़ा दोष ना हो, छोटे मोटे चीजों चलेंगी, तो वास्तु को जरूर से आप अच्छा रखिए। हाँ, और फिर एक तीसरी चीज ये है कि भाई कुंडली में कौन से ग्रह आपके लग्नेश क्या हैं, कौन आपके लग्नेश हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, या फिर आपके शनि महाराज लग्नेश हैं, बुध महाराज लग्नेश हैं, सूर्य महाराज है, चंद्र, जो कौन लग्नेश है आपके, तो फिर उनका आप उपाय करिए, अब वो देखना पड़ेगा। हाँ, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, मेरी इस बात को याद रखिएगा। तो कुंडली विश्लेषण भी समय समय पर कराते रहा करिए, तो उससे भी आपको पता चलते रहेगा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुंडली विश्लेषण करा लीजिए, आपको सब सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये
ये मैंने आपको बताया, यदि आपको लग रहा है कि हमें नजर लग गई है, लग रही है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार बार बार ही होते रहता है ऐसा, देखो नज़र जो है बहुत बार बार बहुत फ्रिक्वेंट नहीं लगती, हर किसी की नज़र नहीं लग जाती। यदि बार बार होता रहता है तो उसको इम्यून सिस्टम वीक समझिए, उसको मेंटल साइकोलॉजी सिस्टम वीक समझिए, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वीक समझिए, और उसका एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लीजिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के पास भी जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के सुनाम से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।